मौसम के खुशगवार होने का अंदाजा पार्कस में तफरी की र्ज से आए अफराज की तादाद को देख कर लगाया जा सकता है लाहौर में बागे जिना और नेशनल बैंक पार्क समेत दीगर पार्क आजकल लोगों से खचाखच भरे दिखाई देते हैं बागे जिना में तो शाम के वक्त मेला सा लगा नजर आता है बागे जिना में जहाँ लोग बेंचों पर बैठे खुशगपियों में मशगूल दिखाई देते हैं वहीं चंद मंचले बारादरी में बांसरी की महफिल सजाए बैठे नजर आते हैं बागे जनाह में आए शहरियों का कहना है कि सर्दी की शिदत में कमी से पाक्स की रौनक बहाल हो गई है चंद शहरियों ने मुतालबा किया है अगर बाग जिना में नस्फ फवारों को शाम के औकात में चला दिया जाए तो इससे बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा फवारे जो है वो मतलब ये नहीं चलने चाहिए यहाँ पे क्योंकि एक तरह से पाक में काफी खूबसूरती होती है और ये कि लोग जो है वो आते हैं और ये कि काफी अच्छा मतलब फील करते हैं यहाँ पे आगे हम तो इस जगह पर तफरी के लिए आते हैं क्योंकि आजकल आसास् गर्मी में इजाफा हो रहा है मौसम भी जो है गर्म हो गया उधर सेंटर पॉइंट पर वाकया नेशनल बैंक पार्क में आए अफराद पार्क में मौजूद खाने पीने के स्टॉल से लुत्फ होने के साथ साथ झील में बोटिंग की तफरी से महजूज हो रहे हैं नेशनल बैंक पार्क में आए लोगों का कहना था कि वो मौसम से भरपूर लुफानंदोज हो रहे हैं बहुत अच्छा मौसम है नेशनल पार्क का और मेन चीज ये है कि ये लाहौर की सेंटर में है ठीक है और यहाँ हर तरह के लोग मतलब जो ना बच्चे भी बड़े भी हर तरह से इंजॉय करते हैं तो मैं इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस मौसम को खुशगवार मौसम ने पार्क्स की रौनकें बहाल कर दी हैं और इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जो कि खुश आइंद है कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ आसिम बट सिटी फोर्टी